अथापि ते पदाम्बुजद्वय प्रसाद लेश अनुगृहीत एव हि जानाति तत्यं भगवन् महिम्नो नाच अन्यम् एकोपि चिरं विचिन्वन्। सिसिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताएं, हमारे ये जो गौड़ीय मठ है सिसिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताएं, ये जो हमारे गौड़ीय मठ है ये गौड़ीय हॉस्पिटल है, इसमें तरह तरह का बीमारी के द्वारा आक्रांत जो मरीज है सब आते रहते हैं। ये हमारा गौड़ीय हॉस्पिटल है, इसमें कई किस्म का मरीज आता है, एक एक का एक एक किस्म का बीमारी है, और इसमें ये बीमारी का ट्रीटमेंट भी होता है। सच्चा पूछो तो एक्चुअल ट्रीटमेंट जो है ये गौड़ीय मठ में ही होता है। पक्का जो ट्रीटमेंट है वास्तव चिकित्सा ये हमारा ये गौड़ीय मठ में ही होते हैं। और गुरु वैष्णव जो है वो है चिकित्सक, अपना अंदर अगर बीमारी रहे मुसीबत में गिरे रहे दूसरे का मंगल करना संभव नहीं। साधु गुरु वैष्णव सब चिकित्सा करते रहते हैं, जैसे भागवत कथा सुनते सुनते बहुत सारे आपका एक्सपीरियंस हुआ होगा, नारद जी महाराज कितना चिकित्सा किया, शंकर भगवान, ये सब साधु संत लोग चिकित्सक है। अगर मठ में कोई चिकित्सक नहीं है और सारे मरीजों को लेकर एकदम भर्ती करा दिया तो क्या हालत होगा, सारे मरीज और कोई डॉक्टर कोई नहीं है, ऐसा हालत वर्तमान अवस्था हुआ। ये बात पहले भी मैं कह चुका हूँ, जब वर्तमान अवस्था ऐसा हुआ चिकित्सक नहीं है और बीमारी चारों ओर फैले हुए हैं और सारे जब मरीज हैं आके भर्ती हुआ, आओ चले आओ चले आओ, अब उसका चिकित्सा तो कर नहीं सकता, अब वो लोग क्या करेगा, यही तो करेगा। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी के पास एक आदमी आके शिकायत किया, महाराज ये जो ब्रह्मचारी है ऐसा ऐसा करता है जानते हो, अब उसको भगा दो मठ से, निकाल दो उसको मठ से। प्रभुपाद जी ने शांत होकर बोला, देखिए जब कोई अस्वस्थ हो जाए बीमार हो जाए उसको कहाँ भेजा जाए, क्यों हॉस्पिटल में, तो कम टू द पॉइंट, ये हॉस्पिटल है, ये सब बीमारी है, ब्रह्मचारी है, जो कुछ भी है बीमारी है, इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो ऐसा करो बाजार में कितना लोग चल रहा है उसको सब लेके आओ, सबका ट्रीटमेंट करो। प्रभुपाद बोले हाँ हम उन सबका ट्रीटमेंट कर सकता, लेकिन ये लोग मेरा पास आए कि हमारा बीमारी हुआ तब ना हम ट्रीटमेंट करें, तो हम बाजार में जाके पकड़ के लाए तुम्हारा बीमारी हुआ, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये ब्रह्मचारी लोग कम से कम आया है, हमको जानकारी नहीं है, जिन गुरु से दीक्षा लिए हैं गुरु के पास बोला कि नहीं कि हम बीमारी है ये हम जानते नहीं, लेकिन हम अभी देख रहे हैं सारे ब्रह्मचारी है सब कुछ है, अब इसका बात तो यही जाने जे ये लोग गुरुचरण में आवेदन किया कि नहीं, जे मैं भवसागर में डूबा हुआ हूँ मैं बीमार हूँ हमको बचाओ, ऐसा शब्द अगर ना बोले, सब गुरुजी जो गुरु का काम कर रहे हैं सबका चरण में मेरा विनती, तब को दिखा मत दो, तुमको गुरु बनने का दरकार नहीं, दिखा मत दो, जब तुमको आके रो रो के बोले कि महाराज हमको बचाओ हमको उद्धार करो तभी ना, इसका पहले हरि कथा बोलो, कॉन्शियसनेस का डिग्री को हाई कर दो, उसके बाद अपने आप को क्वेश्चन करें तब उसको वो दिखा दो, ये नियम है, नहीं तो जो हालत है वही वो तो बढ़ते रहेगा कुछ नहीं होगा। सारे हॉस्पिटल खुल के रखा, कोई बीमार सब पड़ा हुआ है, कोई ट्रीटमेंट करने वाला कोई नहीं है, ऐसा ही होते रहेगा।
हमारा करने का कुछ नहीं। हम तो बोलते रहते हैं, अब माने ना माने तो आप लोगों का बात है। इधर जो है चर्चा करते करते बहुत सारी चीज़ बोलने को इच्छा होता है लेकिन टाइम नहीं है, बहुत जल्दी आगे जाना पड़ेगा लेकिन समय नहीं है। यहाँ जो है काल चर्चा करते करते यहाँ तक आया था कि प्राचीन वर्ही का जो लड़का है, प्राचीन वर्ही का लड़का कहाँ गया, पांचल प्राचीन वर्ही का लड़का जो है वो प्रचेतागण, वो प्रचेता सब क्या की, बोले ये लोग भजन करने के लिए पहले चले गए समुंदर में, वहाँ जाके भजन शुरू की। और महाराज भजन करने के लिए रास्ते में जा रहा था, इतने में ही शंकर जी एक तालाब से एकदम उठा, एक सम तालाब से शुभ्र वर्ण इतना सुंदर शंकर जी पानी के अंदर से उठा, आ सारे बाजा बजा रहे, वो लोग बोला कहाँ से आया, और शंकर जी पानी से उठा और ऐसा करके आशीर्वाद किया किनको, प्रचेतागण को, और बोले रुको करे उधर, प्रचेतागण को कई उपदेश दिए, बहुत सुंदर उपदेश दिए, और उपदेश ऐसा दिए कि महाराज कमाल की उपदेश और आशीर्वाद की करके अंतर्ध्यान हुए कि ये जो हम रुद्र गीता इसका नाम, ये हम जो आपको सिखा दिया इसको चर्चा करते रहो और नाम करते रहो, भजन करते रहो, इसके बाद आपका ठाकुर जी का दर्शन हो के ही रहेगा, जरूर होगा, ऐसा आशीर्वाद करके भगवान शंकर जी दयाल परमहंस अंतोध्यान हो गया। इसके बाद ये लोग सब गए भजन करने के लिए समुन्द्र का नीचे इत्यादि। रुद्र गीता में बहुत सारे श्लोक बताए, व्याख्या नहीं कर पाए, एक श्लोक तो हम थोड़ा बहुत व्याख्या किए थे, खनार्धे नापि तुलये न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगे संग समर्थानम किमुतास्य सह, इससे बढ़कर और सौभाग्य आशीर्वाद क्या हो सकता। कभी भी सत्संगों का जो महिमा है, सत्संगों का जो महिमा है, ये सत्संग का महिमा का साथ किसी भी ज्ञान योग क्रिया कर्म जाग यज्ञ ध्यान पुण्य किसी का तुलना मत करो, अगर करोगे तो यू वुड बी पनिश्ड, तुमको शास्ति मिलेगा, कभी ना करो। यहाँ तक कि कोई अगर कहे भगवान नाम, रामायण में आता है सुंदर, बोले ठाकुर जी का राम जी का नाम एक बार ले तो कमाल एकदम हो गया, उस नाम को तीन बार बोलने के लिए बोला, बोला हमने एक पाप किया तीन नाम, तो ऋषि ने उसका लड़का को फेंक दिया, बोला भाग इधर से, तू अपराधी है, पाखंडी है तू, एक नाम जवान से आने का साथ साथ सारे ताप पाप तो जाता ही है, संसार टूट जाता है, और शुद्ध नाम के द्वारा तो प्रेम प्राप्ति होता है, ऐसा महिमा है ठाकुर जी। साधु संग सर्वसस्ते कय लव मात्र साधु संगे सर्वसिद्धि हो, ये आप सुने होंगे, शायद आप सुने होंगे, इतना दिन से गौड़ीय मठ में आ रहे हो, ये बात सुने नहीं है तो बड़ा शर्म की बात है। लव मात्र साधु संगे सर्वसिद्धि है, लव मात्र साधु संग में सर्वसिद्धि होता है, क्या आप सिद्धि का क्या अर्थ लगाते हो, सिद्धि का जो अर्थ है आपका, आपका दिल में क्या बैठा हुआ है बोलो, कि रुपया पैसा का सिद्धि को कोई कुछ हो जाए, ऐसा कोई सिद्धि क्या, कैसा सिद्धि आपका हृदय में है बोलो पहले, कि अष्ट 18 किस्म का सिद्धि है, 8 किस्म का मुख्य सिद्धि, बहुत सारे अनिमा महिमा प्रकिमा प्रकामो इत्यादि बहुत सारे, तो कौन सी सिद्धि आपका दिल में है बोलो। श्रील सच्चिदानंद भक्त विनोद ठाकुर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पोपा जी ने बताए,
ये सर्वसिद्धि का मतलब ये है कि ठाकुर जी का जो दुर्लभ प्रेम है, दुर्लभ सुदुर्लभ, ये प्रेम तक प्राप्ति होके भगवत सेवा भी आप को मिलने वाला है। ये वास्तव अर्थ है। दुनिया का कोई आदमी ना जाने, जितना भी टीवी में प्रवचन करे कुछ करे, ये संभव नहीं है सब जानना। एकमात्र जो लोग श्रीला सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर का पास, प्रभुपाद का पास आया है, वो छोड़ के दुनिया का कोई भी विद्वान नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल विद्वान जो ये सब सिद्धांत तो कह सके। मेरे को क्षमा कर देना, ये सच्चा बात है। किसी का दिल में ये सब सिद्धांत तो आएगा, आएगा संभव नहीं। तो सर्वसिद्धि है का मतलब भगवत प्रेम प्राप्ति होके जो सुदुर्लभ है, ब्रह्मा शंकर जिसका एक बुद्ध मांगते हैं, नंगा होके नृत्य करता है, शंकर जी का जहार आनंदे शंकर वसन ना जाने, शंकर का कपड़ा नहीं रहता, नंगा हो जाता नृत्य करते करते। हाँ, ऐसा जो पवित्र ठाकुर जी है, ऐसा जो पवित्र ठाकुर जी है, ये ठाकुर जी का क्या कहे हम, बोलो। लवमात्र साधु संग सर्वसिद्धि आपका विश्वास नहीं हुआ, श्रीला सच्चिदानंद भक्ति में ठाकुर जी ने इसका एक उदाहरण दे दिया। ये उदाहरण को सुन लो जल्दी। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जैव धर्म में बताया जे वाराणसी में एक बड़ा विद्वान थे। ऐसे तो विद्वान का अर्थ कृष्ण भगवान उद्धव जी के सामने अलग से रख दिया। विद्वान तो सारे शास्त्रों का मुखस्थ है, वो विद्वान नहीं है। विद्वान का अर्थ हम बताएंगे, ग्यारह स्कंद चर्चा शुरू हो तो बोलो। उधर जो है एक बड़ा भारी विद्वान, वेद वेदांत उपनिषद शास्त्र तमाम एकदम उसका जानकारी है पूरा एकदम, और बड़ा डिग्री वाले हैं और हजारों शिष्य भी है, हजारों हजारों शिष्य। ऐसा माफिक बड़ा एक जो आचार्य है मायावादी, वो एक दिन सुबह में अरुणोदय के समय अपना कुटिया में, भजन कुटीर में बैठ के गंगा की ओर जो मुंह है, ये गंगा है, गंगा देख रहे अपना भजन कुटीर में भजन कर रहे। भजन करते करते देखे कहाँ से एक बाबा है, वो गा रहा है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्वानंदस्य अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। ऐसा गाते गाते लड़खड़ाते हुए कभी गिर जाते हैं कभी उठते हैं, प्रेम का आंसू है। ऐसा करते करते वो जा रहा है गंगा का किनारे से, और ये बाबा ने उसको देख लिया, बोले पाह अद्भुत, कितना सुंदर ये गा रहा है, हमको पता नहीं ये क्या कीर्तन है, श्री कृष्ण चैतन्य कभी तो सुनना नहीं, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन सुना है क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम पहले ही वाराणसी में जब हजारों हजारों 10,000 शिष्यों का जो गुरु है प्रकाश आनंद उसको उद्धार करने के लिए गए, तब तो महाप्रभु का नाम सारे वाराणसी में एकदम प्रख्यात, सभी लोग भी जान। आज ऐसा हालत हुआ, ये हमारा नसीब का फल है, हम तो यही कहें और क्या कहें, किसी को दोष आरोप करना तो उचित नहीं। तो नहीं तो वाराणसी में आजकल वही अवस्था हो गया जो आज से 600 साल पहले था, 500 साल पहले, चैतन्य महा 550 होगा, 500 चैतन्य महाप्रभु जाने का बाद फिर अभी जो है वही हालत पैदा हो गया जो पहले था। वो मायावादी लोग ब्रह्म आदि जीव ये सब कर रहे हैं, ब्रह्म परम ये जो है ऐसा कर रहे हैं, ब्रह्म माया इत्यादि सब शब्दों को लेके व्याख्या कर रहे हैं। अब वही हालत हो गया, ये जो है इधर जो प्रीचिंग है प्रचार जो है प्रचार, ये हमारा भारतवर्ष में वास्तव प्रचार अभी तक पूरा प्रचार हुआ ही नहीं। भारतवर्ष का गांव गांव में शहर शहर में ये प्रचार होनी चाहिए, हुआ ही नहीं। अब ये जो है बैठ के वो देखा कि अरे कमाल, एक बाबा ऐसा कीर्तन करते करते जा रहा है, उनको हृदय में, और उसका हृदय में आया कि हम जाके शादी
साधु का साथ थोड़ा परिचय करे। और तुरंत सोचा कि अरे ये भी कोई हो सकता, हम इतना बड़ा मायावादी आचार्य जो है, हम अगर ये इसका पीछे जाए तो लोग क्या कहे, कोई इज्जत नहीं है। तो उसने फिर बैठ गया, फिर दो पल बाद सोचे कि नहीं जाना चाहिए, ऐसा साधु मिलेगा नहीं। फिर उठा, फिर बैठ गया, नहीं उचित नहीं है, लोग क्या करे, हंसी उड़ाएगा ना हमारा। ऐसा करते करते जाए कि ना जाए, जाए कि ना जाए, ऐसा करते करते साधु जो है वैनिश हो गया। वैनिश मतलब वाराणसी में अगर आप गए होंगे तो आपको मालूम है वाराणसी में कई छोटे छोटे रास्ता है, इसी गोली में घूम जाओ तो आपको पता नहीं चाहिए, एक गोली में घूम जाओ किसी की हिम्मत नहीं आपको ढूंढ के निकाले, छोटे छोटे गली है, गली गली एकदम ऐसा गली है, हमने तो चक्कर खा गया कितने बार वाराणसी गए, एक गोली हमको पता नहीं चलती, गोली कौन सी गोली है, वही गोली है, उल्टा रास्ता में चला गया। पूछते पूछते हैरान, ऐसा कोई गोली में बाबा घुस गया होगा कीर्तन करते करते, वो निकाला तब से एकदम जिद, ना हमको देखा करना ही चाहिए, बोल के जो निकाला तो बाबा इसमें गायब हो गया, बाबा मिला नहीं। लेकिन वो जो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद ये सब कीर्तन सुना, ये महापुरुषों का जवान पे, परमहंस वैष्णव का जवान पे जो ये कीर्तन उदित हुआ था उस समय पे, प्रेम की एकदम धारा आंसू, ये कीर्तन जो है ये कोई स्वाभाविक कीर्तन नहीं कि हमने बैठा अभी कीर्तन करने का टाइम हुआ है महाराज कथा बचेगा बा 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 कीर्तन कर दिए। ये कीर्तन जो है ये दिल की कीर्तन, हृदय की कीर्तन, हृदय का जो कीर्तन है, हृदय के कीर्तन में ठाकुर जी भागे आता है, ठाकुर जी का नियम है, ठाकुर जी का नियम ही है, मेरा भक्त तो जहां कीर्तन करते रहते हैं मैं वहां रहता हूं। अकिन मानो मद भक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, ऐसा बोला। ऐसा होते होते क्या हुआ, वो जो मायावादी आचार्य जो है उसका दिल एकदम पिघल गया, वो जो शब्द सोना शब्द ब्रह्म वास्तव ठाकुर जी का नाम, हृदय इतना साफा हो गया। तो उन्होंने बोला हमको ऐसा करे, इधर से सब छोड़ छाड़ के वाराणसी छोड़, वाराणसी में उसका पोजीशन क्या है, रास्ते में जाओ तो हर वक्त नमन नारायण नमन नारायण नमन नारायण बोल के उसको दंडवत कर, हरे आदमी हजारों आदमी हजारों लाखों आदमी उसको दंडवत करते, आरती उतारते महाराज महाराज करके, वो उसका अपना जो पोजीशन है रैंक है। ऐसे तो मठ मंदिर में सब जगह अपना पोजीशन के लिए लड़ाई कर, हमको आचार्य बनाओ, हमको ये करो, हमको सेक्रेटरी बनाओ, ऐसा ही नियम है, भजन का कुछ समझा ही नहीं, तब तो ये लड़ाई नहीं होता, ये लड़ाई चल रहा है, जाने माने सब बड़ा हो गया वाह ऐसे लड़ाई कर रहे हैं, हमको ये चाहिए हमको ये चाहिए, इसको भगाओ मठ से, ऐसा ही चल रहा है। माया देवी का प्रसाद है ये सब, माया देवी का प्रसाद खूब खाओ, ठाकुर जी का प्रसाद नहीं मिला, माया देवी का प्रसाद ये सब। और अंतिम में क्या हुआ, ये भागे आए आके क्या की, नवद्वीप आए, नवद्वीप कभी आया ही नहीं जिंदगी में, नवद्वीप आके ढूंढते 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 गंगा में स्नान किया। अब गंगा तो नवद्वीप का जो गंगा है वो गंगा तो है ही है गंगा सब, लेकिन नवद्वीप का गंगा का विशेष महिमा है, वह चैतन्य महाप्रभु जी ने वो गंगा में नहाए, गंगा जी को जमुना जी का माफिक आशीर्वाद किया, जब जमुना जी का ऊपर रास कीर्तन हुआ जमुना जी का तट पे, जमुना जी को आशीर्वाद की, गंगा जी भी रोई बोला तुमको भी मिलेगा। तो ये रास जो है संकीर्तन रास, ये गंगा जी का किनारे ही हुआ था, और गंगा जी में नहाना गंगा जी में कूदना सब कुछ गंगा जी में किए, कौन चैतन्य महाप्रभु, ये गंगा का किनारे किनारे चैतन्य महाप्रभु का चरण का रच बिखरे हुए है, चैतन्य महाप्रभु जितना पार्षद है गोद्रुम का कोई भी धूली ऐसा लेके ऐसा करो कित कितार तो हो जाओगे, ऐसा सौभाग्य है गोद्रुम गुरुवर्ग बोका नहीं है, जो कीर्तन में लिखे है बोरो की पाकोरी गौरव बनो माझे गोद्रुम में दिया चौसाने के, बुका नहीं है कि इमोशन में आके कुछ लिख दिया, इमोशन आया तो थोड़ा लिख दो, ऐसा नहीं,
जो देखा जो अनुभव किया उसी को लिखा। और वो कीर्तन को गाओ तो उसके साथ, चाहे घर में रहोगे कमठ में जाए तो तब कीर्तन करे, घर में कीर्तन नहीं होता ऐसा नहीं, घर में कीर्तन करते रहो और कीर्तन करते करते आपका सिद्धि हो जाएगा ऐसा, कीर्तन के द्वारा सब कुछ। तो ऐसा जो मायावादी सन्यासी वो भागे आए नवद्वीप धाम, और नवद्वीप धाम महाराज आए ढूंढते ढूंढते गगन गंगा में स्नान किए, बोले यहाँ वैष्णव लोग कहाँ हैं सब हम दर्शन करें, बोले उस पर चले जाओ गोद्रुम चले जाओ। गोद्रुम गया, गोद्रुम में ढूंढते ढूंढते गोद्रुम में एक जायगा आया, एकदम चारों ओर बागान पेड़ों का ढेर लग गया, आम का पेड़ है ये है बहुत सुंदर, वहाँ जाएगा आके ढूंढते ढूंढते आया परमहंस बाबा जी महाराज के पास। परमहंस बाबा जी महाराज का कुटिया में जब पहुँचे तो देखे परमहंस बाबा जी महाराज आंसू लेके बैठ के और क्या कहे ये नाम शरण में है और इसी का चरण में गिर गया एकदम जाके साष्टांग दंडवत किया। महाराज लीला शरण में थे, आस्ते आस्ते आंखें खुले के देखा एक सन्यासी मेरा सामने गिरा हुआ है और रोना शुरू कर दिया, सन्यासी है आप मेरा सामने दंडवत करके छी छी बोल के उठा के आलिंगन किए आशीर्वाद ऐसा है। और वो जो है वहाँ रहना शुरू कर दिया, बाबा जी महाराज का कृपा मिला, हरि कथा सुनते रहे जगदानंद का प्रेम विवर्तो, कोई सन्यासी ब्रह्मचारी आजकल के जमाने में जगदानंद प्रेम विवर्तो नहीं पढ़ना चाहता, पढ़ना नहीं चाहता, उपरने से अपना जो पुल पट्टी खुल जाएगा, दूसरे पढ़ना नहीं चाहते पर क्या पढ़े वो पतला पुल, हम भागवत सीखे भागवत प्रवचन करें तब तो पैसा आएगा ना, कीर्तन पार्टी लेके जाएगा महाराज हमको पैसा नहीं लेते, वो कीर्तन वाले हैं उसको भाड़ा करे उसका लिए लगे। शास्त्र में है ये सब पशु के बराबर, इसका जो पनिशमेंट मिले वो लोग जानता नहीं, वो लोग को जानकारी नहीं है। गर्दन हमारा चले जाए इस अवस्था में भी भागवत प्रवचन करके पैसा नहीं लेना, हाँ जोर जबरदस्ती के प्रणामी दिया मठ वाले को दे दो महाराज प्रणामी ले लो, उसका अगर इच्छा हो महाराज आपकी पास छपाओ आप गौ माता के सेवा कर करो आके कर दो, इच्छा है तुम्हारा दिल में अगर है सेवा कर लो तो आओ, क्यों ये सब चीज छोटा छोटा चीज में पड़े रहते हो, समझते नहीं हो गुरु वैष्णव का भाव। तो ऐसा जो है अभी वो रहते रहते कृपा मिला हरिनाम मिला दीक्षा भी मिले, उसके बाद धीरे धीरे और चैतन्य महाप्रभु का जो पार्षद है प्रद्युन्न मिश्र, वो प्रद्युन्न ब्रह्मचारी प्रद्युन्न मिश्र, प्रद्युन्न मिश्र तो पुरी का जो कहानी पहले बताया था, प्रद्युन्न मिश्र पुरी का कहानी, प्रद्युन्न ब्रह्मचारी जिसका नाम निशिंगानंद ब्रह्मचारी हुआ था, वो हमारा गोद्रुम गए कभी नहीं गए, गोद्रुम में जो निशिंगपल्ली है जहाँ साक्षात नृसिंहदेव विराजमान है उसी जगह निशिंग देव का सामने भजन करते थे, वो है परमहंस बाबा जी महाराज उसको उधर लेके गए, गुरुजी मानते थे उसको, वहाँ गए वहाँ दर्शन करा लाए। उसके बाद एक दिन भजन करते करते महाराज ये इसका नाम अभी हो गया वैष्णव दास, ये जो सन्यासी मायावादी था अभी कपड़ा पर सब फेंक दिया, अभी नया नाम हुआ उसका वैष्णव दास। वैष्णव दास तो वास्तव वैष्णव दास, वैष्णव दास तो वास्तव वैष्णव दास, इतना विद्वान तो है ही है। अब विद्वा के द्वारा जब विनय पैदा हो जाता, ऐसे ही विद्वान जो है वो विनय ऐसे ही रहता है, कोई सेवा लेना नहीं, जो कोई अगर पैर छूना जरिए राम राम हम कहाँ हैं हमारा पैर छुएगा, वो ही नहीं सकता। जो विद्वान है स्वाभाविक उसका हृदय में दैन्य रहता है विनम्र भाव, ऐसे तो महाप्रभु का जो श्लोक है तीसरा सोक्तिनादुपी तो है ही है, इत एक्सीलेंट। और हमने विद्वान भी देखे हैं जड़ जगत का विद्वान, अभी वैष्णव नहीं हुआ, ये लोगों का विनम्र भाव देख के आम घबरा गया, अब हमको अभी विचार आ रहा है तो वो लोग विद्वान है बड़ा बड़ा साइंटिस्ट, इतना बड़ा विद्वान माथा को झुका के रहते हैं, बात करते थे एकदम माथा झुका कर, प्रोफेसर मिहिर चौधरी सब लेके बड़ा बड़ा साइंटिस्ट
सारा पृथ्वी में उसका नाम। लेकिन बात करते थे इतना शांत। अभी हमारा विचार आ रहा है, बाप रे बाप कितना बड़ा विद्वान, जड़ जगत का विद्वान, लेकिन फिर भी जड़ जगत का विद्वान, उसका विनम्र भाव है। अपराकृत जगत का विद्वान हो तो कहना ही क्या, वो तो होगा ही होगा। जिसका अंदर में अपराकृत विद्वा है, परा विद्वा है, उसको उसका अंदर में विनय नहीं है, हो ही नहीं सकता। क्योंकि गीता में है, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण्य गोभी हस्तिनी सुनिश्चय सत्याके स्व समदर्शन। यहां भी ये समदर्शन का बहुत विचार है। कोई अगर समझे महाराज का समदर्शन नहीं है, हमारा हाथ में खाता नहीं, ये कहते, ये उचित नहीं है विचार। समदर्शन का मतलब तुम्हारा हिंदा में ठाकुर जी है, 100% महाराज का पता है। लेकिन समाज का जो नियम है, सिस्टम है, जो विचार है, ये विचार को तोड़ना नहीं चाहिए। तो समाज व्यवस्था भांगी का जो भांगी है वो भी हमारा प्रेम प्राप्त कर सकता, उसको भी हमारा प्रेम है उसका साथ, उसको हम घृणा कभी नहीं कर सकता, संभव नहीं। लेकिन ये विचार ठीक नहीं कि हम एक ही साथ उसका साथ भोजन में बैठ गया, ये हो नहीं सकता। क्योंकि समाज का जो नियम है, जो सिस्टम है, जो जिस स्तर में है उस स्तर में लगे रहे। महा साक्षात भगवान बोला, समाज का सिस्टम को मत तोड़ो, समाज का जो सिस्टम मत तोड़ो। गीता का व्याख्या अगर ये लोग सुने तो पागल हो जाए। भगवान बोले कि ये लोगों का अंदर में तुम तो तत्व ज्ञान नहीं दे पाया और संसार के उठा के लाए। ठाकुर जी देखो, गीता पाठ करके देखना, ठाकुर जी बोला ये जो कर्मी लोग है, ये जो समाज समाज थमास में पड़ा हुआ है, ये लोगों का अंदर में भेद, ये लोगों का अंदर में विषय का अंदर इंटरेस्ट है। तो उसके ग्रेजुअली उसको क्रमो, उसको धीरे धीरे उसका मंगल कैसे हो, ऐसे जोर जबरदस्ती उसको उठा के मठ में मत लाओ, तुम्हारा हिम्मत नहीं उसको मंगल करोगे। ऐसा साधु है हम देखे, उसको भी मंगल कर दिया, देखो तुम्हारा हिम्मत नहीं है तो उसको लाओगे। तो गीता में ठाकुर जी जनरल बोला स्वाभाविक, जे इसका अंदर में अभी भेद सृष्टि मत करो, कर्म ज्ञान ये सबसे भक्ति भक्ति करो, आओ जो जोशी लेकर है। अंतिम में देखा उसका दिल में तो भक्ति को और विश्वास है ही नहीं, तुम्हारा भी अभी हिम्मत नहीं, उसका अंदर में भक्ति पैदा कर दो। ऐसे तो भक्ति सराट है, सब हर अवस्था में भक्ति सिद्धि देने वाली, ये तो हम जानते। लेकिन ठाकुर जी बोले जो जिस अवस्था में भांगी भांगी का काम कर रहा है, समाज का सिस्टम ठाकुर जी बनाए। ठाकुर जी बोल रहे चतुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभाग से हमने किया, तुम्हारा दिमाग लगाने का कोई दरकार, हमने किया। भांगी भांगी का काम करने दो और कीर्तन सुने, कुछ भी करे करे, उसके बाद उसका रियलाइजेशन आए, उसका जो शरीर का जो है भाव जो है वो टूट जाए, उसके बाद तो भजन तो सभी कर सके। उसमें तो भांगी है चमार है, वो तो कोई भी भजन करे, जो कोई कृष्ण भजन करे वो सबसे बड़ा है, ऊंचा है, इसमें भेदभाव नहीं है, ये सही बात है। लेकिन ठाकुर जी ने बोला कि अभी जो उसका जो स्थिति है उसमें भेद करो, वो क्या करे, अपना जो रैंक है, अपना जो अधिकार है, अधिकार को तोड़ फोड़ के बोला हम ब्राह्मण हो गया, लेखो हमारा जनी हो गया, अब पूजा करने जाएगा। विदेशी आदमी हो कि देशी आदमी को, जो जिस अवस्था में है वो अगर जेनुई के लेकर हम बोले हम जालेगा, हम मंदिर में जाए, ये पूजा करने जाएगा, समाज में शादी देने गया, तो वो तो उल्टा हो जाएगा। भक्तिमय ठाकुर बड़ा रोया, भक्तिमय ठाकुर बोले ये नहीं, तुमको जो जेनुई दिया गया ये पारमार्थिक ब्राह्मणत्व के लिए, तुम सिर्फ भजन करो और कम से कम ब्राह्मण होने, कम से कम मिनिमम तुम कम से कम ब्राह्मण होने का कोशिश करो। तुम तो शूद्र अवस्था में पड़े हो, ना सोना ठीक है, ना खाना ठीक है, ना कपड़ा ठीक है, कुछ ठीक नहीं है, तुम शूद्र अवस्था में हो। हम हर हालात में प्रमाण कर देंगे तुम शूद्र, तुम्हारा वचन भंगी, तुम्हारा बातें सारे प्रमाण कर देता यू तुम शूद्र हो। अशूद्र अवस्था में तुम कैसे भजन करोगे। कितना आदमी प्रभुपाद जी को उल्टा सीधा बोला, सहजिया लोग प्रभुपाद सबको जेनुई दे दिया, ब्राह्मण बना दिया। प्रभुपाद जी ने बोला ना ऐसा उद्देश्य नहीं था, हमारा ऐसा उद्देश्य नहीं है, हमने बोला कम से कम तुम ब्राह्मण अवस्था में उठो, कम से कम ब्राह्मण का जो शौच सरलता
ये सब रहता है अर्जव आदि सब, ऐसा करो तुम झूठे में गिरे हुए, तुम झूठा हो, तुम कैसे बनोगे कि कैसे भक्त बनोगे बोल। आप ब्राह्मण ही बन के दिखाओ, तुम भक्त हो तो छोड़ की दूर की बात, हम छोड़ दिया उतना बड़ा बात, तुम कम से कम ब्राह्मण बन के दिखाओ। उठता ही नहीं आरती में, उठता कितना पिटाई खाता है, कितना पिटाई खाता है, धूम धूम मारता हूं, घर में जाता है लाठी रखा है, वो क्या है हम अगर थप्पड़ लगाए तो हमको फिर नहाना पड़ेगा, ये खरे विचार आचार नहीं मानना, ऐसे तो बहुत प्यार करता है, बहुत मार भी खाता है तो हमको छोड़ेगा नहीं, इतना प्यार है, चलो ठाकुर जी ऐसे उसको मंगल कर दे, लेकिन इतना बदमाश क्या करे। तो जो भी ऐसे जाके क्या हुआ, इसलिए वो लोग तुमको जो जनी दिए गया वो जनी, इसलिए कम से कम ब्राह्मण का क्वालिटी लाओ कम से कम। और ऐसे क्षत्रिय है वैश्य है ब्राह्मण का तो जनी 5 साल 6 साल में हो ही या 8 साल 12 साल का अंदर, बाकी का भी जनी लेने का अधिकार है शास्त्र में बताया, जैसे वैश्य लोग क्षत्रिय ले सके। ठाकुर जी गीता में बताया कि इसका अंदर में तुम अभी भेदभाव कर दो तो उसका तो शरीर का मन का तो मैला गया नहीं, वो अभी क्या करे। महाराज बोला चलो आके रसोई करना, सर रसोई घर में रसोई करना, अब वो रसोई ठाकुर जी लेगा, ठाकुर जी लेगा बोलो, मेरा सब तो आंदोलन होता है, मतलब हम तुम्हारा हिम्मत है तो बैठो, बैठ के मेरे को समझाओ, इसको तुम काल लेके आए हो, इसका दुर्गम दूषित भाव नहीं गया, उसको तुम रसोई में घुसा दिया, पूजा में घुसा दिया, शुद्र अवस्था में है, मुश्किल बात है, कैसे भजन का उन्नति होगा। जो भी है खनार्धो, ये जो साधु संघ का महिमा, इसका साथ किसी का तुलना मत करो, तुलना करने जाओ तो मुश्किल है, ऐसा मत करो। तो ये जो है अंतिम में क्या हुआ, जो ये जो है इसका सिद्ध स्वरूप का भी परिचय मिल गया। बाबा जी महाराज एक दिन भजन करते करते बोले, उसका नाम लेके पकड़ा, ए वहां हल्ला चिल्ला हो रहा है, राधा गोविंद का स्वयं का विघ्न हो रहा है, उसको चुप कराओ। अरे वो बोले ऐसा क्या बोल रहा है गुरु जी, ऐसे ही अरुणोदय का टाइम, और वैष्णव दास जो है वैष्णव दास बोले, वैष्णव दास का जो सिद्ध स्वरूप का जो नाम है वो सखी का मंजूरी का नाम, वो लेके बोले उसको देखा के उसको चुप कराने बोलो, राधा गोविंद का अनिष्ट विघ्न होगा, चुप कराया तो उसको स्वरूप मिल गया। बाबा भाव में आकर उसका स्वरूप बता दिया, तुम्हारा स्वरूप है, बस नित्य स्वरूप का भी पता चल गया। तो कहां एक मायावादी सन्यासी, कहां गुरु जी का कृपा लेकर अंतिम में उसका सिद्ध अवस्था, और जितना भी व्यक्ति ये वैष्णव लोगों का साथ बहस करने आता, तर्क करने आता है, वो वैष्णव दास तो ऐसे विद्वान तो है ही है पहले से, अब मायावादी छोड़ के भक्त बन गया, कितना भी विद्वान आए क्यों नहीं, साहब के तोड़ फोड़ के उसका वो, फिर भी अगर वैष्णव समाज वाले वैष्णव दास ये जो आए हैं तर्क करने के लिए, इतना बड़ा सा विद्वान लोग, तुम इनके साथ चर्चा करो, उसको समझाओ, तो वो क्या करते थे, माथा झुका सर झुका के सबका चरण रज लेके अवैध वंदना करके विनम्र भाव से सब उसको खंडित करते थे। सोचो कैसा बात है, सारे मायावादी जो है कोई भी आए तर्क उसको। तो ये जो है उधर जो रामायण का उदाहरण दिया, तूने एक हरिन एक राम नाम के द्वारा इतना मंगल होता है, तो ये राम नाम तो 3 बार करने के लिए हुआ, जा तू शूद्र बन जा, शूद्र बना दिया अपना लड़का को वशिष्ठ मुनि सा, वशिष्ठ मुनि अपना लड़का को तू 3 बार बोला, एक राम नाम का आभास आ जाए हमारा करोड़ों जन का नाम, तू बोला 3 बार लेने के लिए, जा शूद्र हो जा, सांप दे दिया, तेरा विश्वास नहीं है नाम पे, कैसा सुंदर ठाकुर जी। तो कभी भी साधु संघों का महिमा का साथ दान पुण्य आदि किसी का भी तुलना मत करो, साधु संघो लवमात तो साधु संघ सर्वसिद्धि हो। ये जो कुटिया में बैठे हुए थे महाराज, और छोटा कुटिया मायावादी लोगों का बड़ा वैराग्य है छोटा कुटिया,
ये अगर एक व्यक्ति वैष्णव अगर ऐसे कीर्तन करते करते किया तो कितना दुख तर उसका नजर जाएगा, तो कुटिया का अंदर गेट का ऐसा है गेट, तो अगर देखे भी कितना दुख तक देखे, कितना समय तक झट से निकल गया, उतना समय जो वैष्णव का दर्शन हुआ, उतना समय तक जो वो कीर्तन सुनने को मिला, दैट वॉज मोर देन सफिशियंट, मोर देन सफिशियंट, यथेष्टो के भी ऊपर, बहुत ऊपर। जब ही ना उसको लाया, भागा, भाग के लाया, भगा के लाया नवद्वीप में, कोई तो जोर जबरदस्ती लाया नहीं, जोर जबरदस्ती लाया चलो नवद्वीप, अपने आप आया। तुम्हारा अगर शुद्धता है, तुम्हारा अगर सच्चा भजन है, तुम्हारा प्रभाव से दूसरे आदमी प्रभावित हुआ होगा। इस बारे में हम सायंकालीन अधिवेशन में हम चर्चा करेंगे, जो गुरु वैष्णव क्या होता है, कैसा है, वो अगर शिष्यों को प्रभावित ना कर सके वो गुरु पदवाचन नहीं है। इसके बारे में सायंकालीन अधिवेशन में बताएंगे प्रभुपाद का सिद्धांत। यहां जो है वो आपका शंकर भगवान तत्व ज्ञान उपदेश की, उपदेश का बाद वो भजन करना शुरू किया। ये तो हमने शंकर का जो रुद्र गीता है इससे एक श्लोक का, कई श्लोक बताया था, आज एक श्लोक का व्याख्या किया। और इसके बाद जो है तुम्हारा ये जो आपका प्रचेतागण, प्रचेतागण अभी समुन्द्र का भजन करते करते सिद्धि है, सिद्धि का बाद वो समुन्द्र से उठे, उठ के देखा हाय राम, चारों ओर पेड़ पेड़, सब पेड़ पौधा, पूरा जंगल हो गया पृथ्वी। बोला हम जाए कैसे, गुस्से में आकर एकदम तेज तो है, तेज के द्वारा मुखा आ क्या मुख से आगुन निकाला शुरू कर, सारे पेड़ पौधा जलना शुरू। बोला हम जाए कैसे, देखो एक जमीन आप छोड़ दो, बस एक महीना दो महीना छ महीना एक साल बाद पूरा जंगल हो जाएगा, नियम है। तो बोले हम जाए कैसे, और वो आंख निकालना शुरू कर दिया, जलाना शुरू कर दिया, और चंद्रमा आदि सब चिंतित हो गए, और भिक्षु को जलाना शुरू कर दिया। ब्रह्मा जी बोले इसको जलाते क्यों भाई, क्या किया, कृपा करो। और वृक्षों लोगों ने एक कन्या जो मारीश नामक एक कन्या, बोले गुस्सा मत करो, ये पेड़ पौधा तो है ही है, तुम्हारा काम पे आएगा, तो इसको मारो मत, तो ये कन्या को शादी करो, करके तुम्हारा संसार धर्म जो है वो पालन करो। वो करना शुरू कर दिया, और संसार धर्म पालन शुरू कर दिया, और संसार धर्म पालन करना शुरू कर दिया, और उसके बाद मारीश नामक जो कन्या है उसको शादी करके, उसके बाद प्राचीन वर ही ये जो प्रचेता है, प्रचेतागण का जो संतान जो है वो दक्ष प्रजापति जो है, पहले था दक्ष प्रजापति, वो दक्ष प्रजापति बाद में ये प्रचेता दक्ष का नाम पे, प्रचेतागण का संतान प्रचेता दक्ष का नाम पे आविर्भाव फिर हुए। क्यों, वो शंकर भगवान को स्तुति किए ठीक है, लेकिन मन का अंदर से उसका शंकर का पुत्र जो विदेश का पूरा सफा नहीं हुआ था, स्तुति की लेकिन पूरा क्लियर नहीं हुआ था, इसलिए पूरा फिर दोबारा जन्म ग्रहण करना पड़ा। उसके बाद नारद जी का फिर सांप दिया, ऐसा करके अभ्यास था पहले, गुस्सा तो है ही है फूले। और ये जो पूरन जन का अभी उपाख्यान आ रहा है, प्राचीन वर ही जो है प्राचीन वर ही जो है, ये प्राचीन वर ही का जो पुत्र है प्रचेतसगण, सब बताया आप प्रचेतसगण वो संसार करने के लिए। अभी प्राचीन वर ही क्या किया, इतना योग्य किया, इतना योग्य किया, सारे योग्यों में आपका पशु का हत्या करते हैं, बोली देते हैं, बोली चढ़ाते हैं, बोली चढ़ाया, इतना हजारों हजारों योग्य किया कि मत पूछो। इसके बाद नारद जी एक दिन उधर पधारे, इसका तो दिमाग खराब हो गया, उसका थोड़ा समाधान करे उसको, और उसके बाद क्या किया, समझाना शुरू किया कि तुम क्या कर रहे हो, इतना योग्य कर रहे हो, सब बोली चला रहे हो, तुम्हारा बुद्धि मारी गया क्या,
हैं, जितना सारे पशु को तुम बोलि चढ़ाए, जब देखो सब खड़ा हुआ है, सब तुमको बोलि चढ़ाएगा, सब आएगा तुम्हारा दूसरे जन्म में आए, सब एक एक करके बोलि चढ़ाए, सब आ अपेक्षा कर, दिखाया नारद जी की क्षमता है ना, पावर है दिव्य, देखो सब अपेक्षा कर। अरे महाराज हमको मरे, हाँ मरेगा तो क्या करे, अभी उपाय क्या है? भले सुनो, ये सब कर्मकांडी का बाहर चलो, कर्मकांडी छोड़ो, शुद्ध भक्ति करो। बोले भक्ति करे तो हमको दिमाग में आ ही नहीं रहा भक्ति क्या चीज है। बोले एक कहानी सुनो, बोल के पुरंजय का पुरंजय पुरंजन का एक कहानी बताए। पुरंजन का कहानी हम संक्षेप में बताए। पुरंजन जो है ये क्या है, पुरी में रहने वाला जिसको पुरुष बोला था, ये पुरंजन जो है, पुरंजन जो है ये पुरंजय जो है, ये जो है ये सुंदर नारद जी बताएं कि ये भारतवर्ष में जीवात्मा घूमते घूमते, जीवात्मा जो है कि एक जोनी से दूसरे जोनी जाए घूमना पड़ता है, करते करते भारतवर्ष में हिमालय का दक्षिण सानु प्रदेश में अर्थात कर्मक्षेत्र भारत भूमि में नवोद्यार के द्वारा संयुक्त सर्वलक्षण संपन्न एक पूरी मिला है। पूरी मतलब शरीर, इसका व्याख्या हम बाद में करेगा, अभी सुनते रहो। सर्वलक्षण युक्त ये भारतवर्ष नाम का जो कर्म भूमि है, कर्म क्षेत्र है, इसमें भारत भूमि में नवोद्यार युक्त सर्वलक्षण युक्त एक पूरी मिला है। इतना जो घूमते घूमते बोले, ये तो जो बिल्डिंग है बड़ा सुंदर बिल्डिंग है, ये जो प्रासाद है इसमें 9 गेट है, इतना सुविधाएं हैं इसका अंदर में, यहाँ रह जाए बहुत अच्छा लगा। ये पुरंजन का कहानी बताएं। ये पुरंजन नाम महाजशोशाली के राजा थे, एकमात्र था उसका में, और एकमात्र मित्र था उसका, वो उसका नाम कोई नहीं जानता, बहुत अपना बहुत जानकारी बहुत प्रेम था। पुरंजन कहाँ रहे, अन्वेषण करते करते पृथ्वी घूमते घूमते, उसके बाद ठाकुर जी का कृपा से हो जो भी हो, सानो हिमालय का दक्षिण सानो प्रदेश में एक भारत भूमि जो कर्म क्षेत्र है, इसमें एक राजप्रसाद मिला। बोले वाह ये तो सुंदर राजप्रसाद मिला, रहने का लायक है, 9 गेट है, आए जाए कोई भी असुविधा नहीं, 9 गेट उधर रह गया। बोले यह सुंदर है, और अभिज्ञा तो जो दोस्त है उसका नाम नहीं जानता, लेकिन उसका साथ बहुत। और ये महाराज एक कमरे में घुसने, जो आपका प्रसाद है, प्रसाद में घूमने का बाद ही देखा एक प्रमोदा नारी, बोले ये बड़ा सुंदरी है, उसको भी अच्छा लगा, बोले ये भी बड़ा सुंदर है, एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर दिया प्रेम से, बोला बड़ा सुंदरी है ये, बड़ा वो बोले बड़ा सुंदर है, एक दूसरे से प्यार हो गया और रहना शुरू कर दिया। बस ऐसा कहते बहुत साल रमन किए महाराज, करते करते अभी जो है बहुत सारे घटना है। इसके बाद क्या हुआ, ये कालजवन ने आक्रमण कर दिया, बहुत सारे घटना हम संक्षेप में कह रहे हैं। कालजवन ने ऐसे कैसे उसका अभी वो जो प्रासाद है, प्रासाद में रहना अभी संभव नहीं है, लगता है वो छोड़ देना ही पड़ेगा। ऐसा करते करते कालजवन सब अत्याचार किया, धीरे धीरे उसका शरीर धीरे धीरे पतन का मुख गया, इसके बाद वो शरीर को छोड़ दिया। तो ये जो है बहुत बड़ा कहानी, हम तो संक्षेप में बताए, बड़ा 7 दिन तक इसका व्याख्या हुए तो अच्छा है। तो इसका बाद राजा जो है प्रचिन बड़ी बोले, महाराज आपका बात जो है समझ में नहीं आई, क्या कहना चाहते हो क्लियरली बताओ, हमारा बुद्धि कम है, कर्मकांड में फंसे हुए हैं, ऐसे है आप विचार करके बताओ कि हमारा सुबोध हो जाए, माने सहज बोध हो जाए। तो बोले महाराज सुनो, ये जो पुरंजय नाम की जो राजा हम बता दिया, वो कोई नहीं हो, पूरे शरीर का अंदर में रहने वाला जो है वो जीवात्मा है, वो जीवात्मा, वो अनंत काल 84 जोनी को भ्रमण करते करते भारत भूमि में अहोभाग्य से ये भारत भूमि में हिमालय के दक्षिण सानु में इसका आविर्भाव है। और आविर्भाव होने का बाद क्या हुए, आविर्भाव तो है, उसका बाद
एक नौ दार युक्त गेट मिला, एक प्रासाद मिला, उसका मत माने हैं भारत भूमि में एक सुंदर नरबपु मिला, नरबपु। ऐसा तो चैतन्य भागवत है ना, भारत भारत भूमि तो हुई लो जन्म जहार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। ये तो आया ना, ये विचार गौरी विचार तो आया। परोपकार का मतलब पहले ट्राई टू जस्टिफाई विथ योर सेल्फ। परोपकार का व्याख्या हम सायंकालीन अधिवेशन में बताएंगे, वो सुनते हैरान हो जाए, क्या परोपकार करोगे तुम, तुम्हारा खुद का उपकार पहले करो उसके बाद परोपकार करोगे, क्या प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, खुद बद्ध अवस्था में है जाके लफड़ाबाजी करे तो हंसी आता है हमारा सारे। तो क्या हुआ, बोले राजन उसका जो अभिज्ञात तो दोस्त है वो है परमात्मा, उसका नाम नहीं है, जानते हो सब रास्ता में आदमी को पूछो, सभी को ठाकुर जी आपका आपका साथ रहता है ना, किसी को पता है, पता नहीं। वो अभिज्ञात तो जो दोस्त है वो है परमात्मा स्वयं। आरो नवद्वार युक्त जो गेट जो युक्त जो प्रासाद है, प्रासाद में आकर बड़ा अच्छा प्रसाद प्रासाद जो है बहुत अच्छा है, यहाँ रहने का लाए, हवा बतास चल रहा है, नौ गेट है इसमें रह जा, बड़ा भोग करने का कोशिश। और जब प्रासाद में घुसा देख रमणी है, इतना सुंदरी रमणी, बोले महाराज हमको तो बहुत अच्छा लगा है, इसको वरण किया, वो भी इसको वरण किया, वरण की, बोले वो कौन है प्रमोदा, बोले बुद्धि, तुम्हारा जो बुद्धि है दुष्टा बुद्धि, ये तुम्हारा प्रमोदा है, उल्टा पलटा बुद्धि देता है, ये प्रमोदा है, जब भी जो कुछ भी बोलो वो करना ही पड़ेगा, चकाचक खाओ, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये देखो ये देखो, ये करो वो करो, जहाँ भी जाओ ये बुद्धि तो ले जाता है ना, दुष्ट बुद्धि जो है ये बुद्धि, जो करे जो कराए जो करे वही कर रहे हो, तो इसका नाम है प्रमोदा। जैसे धुंधुकारी का याद है, धुंधुकारी का जो जितना सारे वेश्या रमणी है, बोले आज ये लाओ सोने का बाला बना के लाओ, कुछ नहीं जानते, और धुंधुकारी गया गुंडाबाजी करके इधर उधर के लाए, ऐसा ही संसारी आदमी को ऐसा ही करना पड़ता, क्या करे संसारी आदमी, क्या करे बेचारा, कहाँ जाए, सबको के पास पैसा है, गरीब है कितना, वो बेचारा क्या करे, ऐसा करके। और काल यवन जो है, काल यवन जानते हो ये रोग बीमारी आदि सब फैल गया, आस्ते आस्ते धीरे धीरे शरीर पतन हो गया और कुछ नहीं हो पाया, सिद्धि तो कुछ नहीं भाई। ऐसा करते करते सुंदर छोटे एकदम कहानी हमने बताए, ऐसा पुरंजन का कहानी बताए, पुरंजन आत्मविस्थिति आत्मविस्थिति होकर ऐसा घूमते रहे, उसके बाद उसका अक्कल हुआ। जब ऐसा कहानी सुने तो राजा का बड़ा भारी अक्कल हुआ, बोले महाराज हमारा भी क्या होगा। बोले राजन ऐसा करो, शुद्ध गुरु वैष्णव का जो तुम जो तमो का पार जाना चाहते हो, नारद जी ने सुंदर उपदेश किए जे अनंत पारे तमसी मग्नो नष्ट श्रुति समाहा शाश्वती शाश्वती रनु हुयार्तिम प्रमदा संग दूषितः अनंत पारे तमसी मग्नो। ये जो जीवात्मा है अनंत तमसी पार में पाप करते करते अपराध करते क्या कहां जाता है, तमो अंधकार में चला जाता है, तमसी अंधकार में चला जाता है। पाप ऐसा चीज है, अपराध ऐसा चीज है, आप करते करते अंधतमः प्रविशन्ति ते सर्वे, कौन जो लोग ये सब उल्टा पलटा काम करता है, सारे अंधतमों में गिर जाए। और प्रमोदा दूषित होकर ये भी पुरंजय भी कर चुके और अभी बहुत कष्ट मिला, इसके बाद शरीर को छोड़ दिए और साक्षात भगवत उक्तेन गुरुना हरिना निपो विशुद्ध ज्ञान दीपेन स्फुरता विश्वतो मुखम परे ब्रह्मणि चात्मनम परम ब्रह्म तथात्मनि इक्षमानो बिहारिक बिहारिक्षम अस्माद उपर रामः। यहां बताएं कि हे राजन साक्षात भगवान गुरु रूप धारण करके सबका हृदय में ज्ञान देना चाहता है,
गुरु का ही तो काम है गुरु ज्ञान दे। ओइंग ये जो बीज है इसका मानी ये है ज्ञान देने का। ओइंग बोलता है ना गुरु का मंत्र किसी का अगर मिला है तो हे राजन साक्षात भगवान गुरु रूप पकड़ कर इसके हृदय में जो विशुद्ध ज्ञान प्रज्वलित करे और सही वही विशुद्ध ज्ञान लोक चतुर्देव विस्तृत हुआ था और गुरु रूप ठाकुर जी गुरु रूप धारण करके किसी को तत्व ज्ञान दे यही संभव है। और ऐसा करके पुरंजन का उपखान का प्राचीन वरी का सामने व्याख्या की बहुत सारे लंबा चौड़ा व्याख्या। उसके बाद ये जो है सुंदर ये जो आपका व्याख्या की कौन हाँ प्राचीन बरही का सामने ये सब प्राचीन बरही अभी उसका आखे लाया पहले सही तो प्राचीन बरही कर रहे हैं देखो उसका ज्ञान थोड़ा हुआ है जो प्राचीन बरही वाचो। उसके बाद प्राचीन बरही का सामने नारद जी बोल रहे हैं नारद जी प्राचीन बरही का थोड़ा आखे लाया अकेला आने के बाद नारद जी महाराज जो नारद जी अभी फाइनल उपदेश दे रहा है फाइनल कंक्लूजन जितना सारे शिक्षा तरंग चढ़ाने के बाद अब बोले फाइनल जो एकदम क्रीम वास्तव उसको बता रहे हैं। बोले राजन देखो कचित पमान कचित श्री कचित नो भयम अंधधि देवो मनुष्य तिरयोग वा यथा कर्मो गुणम भवः। भले जीवात्मा अपना कर्म फल के अनुसार जोनी जोनी में घूमते रहते हैं कभी पशु पाखी कभी शूद्र कभी ऊंचा खानदान कभी स्त्री कभी पुरुष पुमान कचित च स्त्री कचित न उभयम अंधधि देवो मनुष्य तिर्यगवा यथा कर्म गुणम भवा। कभी देवता बन गया कभी कोई बन कुछ बन गया ऐसा करके ब्रह्म मान है हे राजन ऐसे ही रखता है। आत्मा में संसार का कोई प्रतीति नहीं होनी चाहिए पहले हम बखा था आत्म वस्तु के ऊपर संसार का कोई प्रतीति नहीं होना चाहिए लेकिन होता है। अर्थे ही अविद्यमान संस्तीर्ण निवर्तते मनसा लिंग रूपेण सपने विचरतो यथा अर्थे ही अविद्यमाने बलचिन अर्थे ही अविद्यमाने ओपी संस्तिर न निवर्तते कोई वास्तव कोई अर्थ नहीं है संसार है संसार का जो अर्थो आप मान के चल रहे हो आ सुख दुख का जो भोग रहे हो संसार तो संसार है ही नहीं। मायावादी लोग बोलता है हमने व्याख्या किया संसार है ही नहीं विचार ठीक नहीं संसार है लेकिन संसार नाशवान है खन भंगुर संसार है ही नहीं बेकार के संसार तो है ही है तुम्हारा साथ बात कर रहे सब कुछ कर रहे संसार है लेकिन ये नाशवान है। भूत भविष्यत वर्तमान का जो काल है इसका बैकग्राउंड फिर इसका कोई त्रैकालिक कोई अस्तित्व तो है नहीं इसीलिए संसार के ऊपर आसक्ति करना उचित नहीं है लेकिन संसार झूठा नहीं। तो तत्व विज्ञान बताया नारद जी ने अर्थे ही अविद्यमाने उपी संस्थिर न निवर्तते वास्तव कोई अर्थ ही नहीं है लेकिन संसार हृदय से जाता ही नहीं अर्थ ही वास्तव जो अर्थ है उसका कुछ नहीं है अर्थे ही अविद्यमाने उपी संस्थिर न निवर्तते संसार चक्र जो है वो उसका जो निवारण निवृत्ति होता ही नहीं चक्का चल रहा है पुनरपि जननम पुनरपि मननम पुनरपि मातृ जठरे शयनम आ क्या करे ऐसा ही चलते रहे। तस्मीन महद मुखरिता मधुबी चरित्र पिजो सशेष सरितो परितो श्रवंती ताजे पिबंती अवित्रिशो निपगार कर्णैर स्थान न स्पृशंती असनतिर भयसो कुमोहा। क्या बताया बड़ा काम का सो
तस्मिन् महामुखरिता मदविचरितो पिजुष शेष सरितो परितो स्रवन्ति ताजे पिबन्ति अवितृष निपगार कर्णैर् स्थान न स्पृशन्ति असनतिरो भयशोकमोहा। बोले तस्मिन् महामुखोरिता, तस्मन् महत् मुखोरिता, तस्मिन् महत् मुखोरिता मधुवित चरित्र पीयूष शेष सरितः परितः श्रवन्ति। इसीलिए तुमको कह रहे हैं कि देखो जो महापुरुषों का जवान से महत् मुखोरिता, महत् मुखो इरिता, महत् मुखोरिता मधुवित चरित्र, मधु 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 ठाकुर जी, मधुसूदन मधु, ये मधुसूदन ठाकुर जी का जो मधु टपकते रहते हैं संत महात्मा का जवान से, अमृत लहर चलते रहते हैं, ये कथा को मधु मधुभीर चरित्र पीयूष शेष चरित परितो श्रवंती, जो वर्षा रहता है आनंद की, गंगा की धारा पवित्र, कथा को सुनते रहो। ताजे पिबंती, ये सब कथा जो लोग जो सब पान करते रहते, ताजे पिबंती अवित्रिशो, एकदम तृष्णा मीठा नहीं, और बोलो और बोलो। ऐ सनकादि ऋषि वो बताया ना किसको, सुत महाराज जी को, हमारा अभी संतुष्टि नहीं भाई, बोलते रहो बोलते रहो। वयम तू न वित्ति पाम उत्तम श्लोक विक्रमी जत्सणंतम, है साधु साधु पदे पदे। हाँ आप लोग आपका कथा सुन के तृप्ति नहीं हो रहा है, और बोलो और बोलो। वयम तू न वित्ति पाम उत्तम श्लोक विक्रमी जत्सणताम, है साधु साधु पदे पदे। सुनते सुनते लगता है अमृत अमृत है, और बताओ और बताओ। ताजे पिबंती अवित्रिशो निपगार करनी, एकदम कान को खड़ा करके वो मधु जो रस है, वो गाढ़ा रस जो है गाढ़ो कर्ण करनी कर्णों के द्वारा स्तन ये लोगों को नस्पिशंती असन तिड़ो भयशोक मोहा, ये लोगों को काम क्रोध लोभ मोह शोक भय खुदा तृष्णा कुछ नहीं होता, सबसे पार हो जाता है, पूरा मायादेवी के चक्कर से पूरा बाहर चले जाते हैं। देखो और ऐसा करते करते शब्द ब्रह्मणी दुष्पारे चरंतो उरुविस्तरे मंत्र लिंगेर व्यवच्छिन्नम भजंतो न विदुहु परम, अपार अनंत वेद मंत्र बाहुल्य विचरण करके भी और वेद का मंत्रार्थे का अनुसारी वज्रादि चिन्ह चिन्ह के द्वारा व्यवच्छिन्न देवगण की उपासना करके भी हाँ ये लोग भगवान का वास्तव निर्णय नहीं कर पाते, संभव नहीं। ऐसा करके पुरंजय का जो फाइनल जो उपदेश है, ये सब सुंदर उपदेश दे रहा है कौन, नारद जी महाराज। और नारद जी महाराज ये उपदेश करते करते उसके बाद यहाँ आया नारद वाचो, नारद बहुत सारे कई घटना ये सब बोले और बजे। नारद जो है नारद सा कथोपकथन चल रहे, कभी ये बोले कभी वो बोले, ऐसे सपने में जैसे अनर्थ आते रहते हैं, सपने में अनर्थ आता नहीं, कभी गला काट दिया कभी लूट लिया, हमने पहले भी ये सब बताया था। ये सपने में कभी कभी ऐसा अनर्थ आ जाता है कि मानो कि ये सच्चा है एकदम पक्का, सपने में कभी कभी ऐसा अनर्थ पैदा हो जाता कि लगता है ये एकदम सच्चा है लेकिन वास्तविक सत्य नहीं है। ऐसा करके विदुर जी आप कई प्रसंग है, मिदु मैत्रेय मुनि विदुर जी को कह रहे हैं और उसका पहले ये सब प्रसंग है सब। और ऐसा करते करते अभी विदुर उबाचो, उसके बाद मैत्री ऋषि उत्तर दे रहे हैं। तो
प्रचोदागण को आशीर्वाद किया, स्वयं हरि जो है हरि भगवान प्रकट हो गया, प्रचोदागण को आशीर्वाद दिया, प्रचोदागण को प्रचोदागण सब स्तुति की। प्रचोदागण के एकाध स्तुति हम बता दे, ओम नमो क्लेश विनाशायो निरूपितो उदार गुण आवयाय आवाय मनो बचो वेगो पुरोजो पुरो रोजवायो सर्वाक्ष मार्गोर रगताधने नमः शुद्धाय संताय नमः स्वनिष्ठाया मनसी अपार्थम बलस बलसधराय ओ नमो जगतस्तानोलयोदयीषु गृहीत माया गुण विग्रहाय नमो विशुद्ध सत्वाय हरये हरिमेदसे वासुदेवाय कृष्णाय प्रभवे सर्वसात्वता सर्वसात्वता। ऐसा करके स्तुति किए, नमो कमल नाभायो नमः कमल मालिने नमः कमल पादायो नमस्ते कमल क्षणे नमो कमल पंकजो न न नमो कमल किंजल को पंकजो न कमल को मानता भी तो पंकज नमो कमल किंजल को पिसंज्ञा मलवास से सर्वभूत निवास आयो नमो अध्यक्षाई ही साक्षिने। ऐसा करके स्तुति की प्रचेतागण, आप प्रचेतागण स्वयं इस बात को स्वीकार किए, तुलेयाम लवेनापि न सर्गम न पुनर्भवम भगवत संग संगस्व मर्तानम किमुता से सहा। प्रचेतागण अपना जिंदगी में ये अनुभव करके बताया कि क्षण क्षण मात्र लव मात्र साधु संग जो है तुलेयाम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संग संगस्व मर्तानम की मतास। इससे बढ़ के आशीर्वाद और कभी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। कई अगर बोले स्वर्ग मिल जाए है अपुनर्भव मिल जाए, वो क्या होगा, ये सब प्राप्त करके हम क्या करेंगे, ब्रह्मा का पद मिल गया। ये देखोगे नागोकन्यागण स्तुति किया, ये सब स्तुति आएगा, ब्रह्मा का भी स्तुति में आता है, नौनाकपिष्टम न च सार्वभौमम, ये सब श्लोक आएगा, सुंदर विचार। और इधर बोलते बोलते क्या हुआ, भगवान इसको दर्शन दिए और शुरू कर दिया भजन, तो किए ठाकुर जी का दर्शन हुआ। इसके बाद नारद जी कह रहे हैं कि नारद जी अभी कह रहे हैं कि प्रचेतागण को उपदेश देने के लिए आए नारद जी। नारद जी बता, देखो ये जथा तरण मूल्य से चने तिप्पन्ति दस्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराश्च यथेन्द्रियाणम तथैव सर्व अर्हणम अच्युतेज्या। यथा देखो जैसे वृक्ष का मूल पे जड़ पे पानी देने से सारे हरा भरा हो जाता है, उसका अलग करके कोई पानी देने का कोई जरूरत है नहीं। प्रचेतस ऊँचू हाँ, इसका प्रचेतस प्रचेतन प्रचेतागण कुछ बताया। उसके बाद नारद जी उपदेश दिया। नारद जी बोला, देखो यथा तरण मल्ल से पिपंति तत्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारश्च यथेन्द्रियाणम तथैव सर्व अर्हणम उच्युतेज्या। अच्युत भगवान का पूजा करो, इसमें ही तुम्हारा सारे मंगल छुपा हुआ है। दयाया सर्वभूतेषु संतुष्टा जेन केनो वा सर्वेन्द्रियो उपोसांत्वा चतुष्वती आंसू जनार्द। ठाकुर जी प्रसन्न कब होते हैं, जब कोई देखते हैं निर्भय हो गया। जब ठाकुर जी देखते हैं जे ये किसी का सा शत्रुता नहीं करता, निर्भयो, हिंसा का कोई विभाग है, हिंसा का अर्थ तो सुना कभी, हिंसा का अर्थ तो सुना नहीं। आप बोलते हो हम तो हिंसा नहीं किया, मठ में अगर ब्रह्मचारी लोग है सब है,
और कोई अगर काबिल आदमी है, कोई महाराज अगर ना बोला तो महाराज का हिंसा दोष लगेगा, जीव हिंसा। जीव हिंसा मतलब ये नहीं कि हमने उसको मारा काटा, ये नहीं। तुम अगर गलत रास्ता में उसको भेज दो, ये भी तुम्हारा जीव हिंसा हो गया। इससे गुरु वैष्णव को बताना पड़े, जरूर बताए कि तुम गलत रास्ता में जा रहे हो, ना बताए तो उसके लिए अपराधी वो बन जाएगा, ये जीव हिंसा हो जाएगा। सामने देख रहा है उल्टा कर रहे हैं, वो बोलना पड़ेगा, माने ना माने तो बात। तो इससे बोला जीव हिंसा बहुत किस्म का है, जो दयाया सर्वभूतेषु संतुष्टा जेनो केनो वा सर्वेन्द्रियो उपस्वांत्वा चतुस्सति आसु जनार्दन। ठाकुर जी संतुष्ट हो जाता है जो सर्वभूत में जो है, सर्वभूत में दया प्रदर्शन करना, जो हमारा गौड़ीय सिद्धांत में है ना, गौड़ीय सिद्धांत में क्या है, जीव दया कृष्ण नाम यही महत्व है ना, जीव दया कृष्ण नाम यही तो है, जीव दया कृष्ण नाम। जीवे में जीव को दया करो कैसे, जीव दया कृष्ण नाम, जीव को कैसे दया करो अगर अपना खुद का कोई अनुभव नहीं है। जीव दया कृष्ण नाम ये सबसे बड़ा चीज है, दया या सर्वभूतेषु, हर सब भूत का अंदर में ठाकुर जी को उपस्थिति दर्शन करके कृपा करो, ऐसा करके कृपा करने का बात बोला। और साधु संगे कृष्ण नाम यही मात्र चाय, संसार जीनी त्यार कोनो वस्तु ना आए, कहने का तो बात है। अब इसमें विचार करें तो क्या क्या आएगा, यहां तो कोई ऐसा लिखा जुका नहीं है, हमारा बदमाश गुरु भाई रहे, गुरु भाई का काबिल ही नहीं उसका साथ रहो, ये तो बोला नहीं है। ये अगर लिखा हुआ तो पहले ही बोल देता, साधु संगे कृष्ण नाम यही मात्र चाय, संसार जीनी त्यार कोनो वस्तु ना, घुमा फिरा कर जहां साधु है वही रहो, जहां हमारा संप्रदाय का साधु है वहां रहने से और ज्यादा फायदा मिलेगा। अपना संप्रदाय का साधु रहे, इस विषय में सायंकालीन अधिवेशन में चर्चा करें, सजा तिरास स्निग्ध साधु संगो सतो वरे, इसका बारे में चर्चा करके हम पांचवा जो स्कंद है उसका स्कंदों का बहुत जल्दी चर्चा शुरू कर दे सायंकालीन अधिवेशन में, हैं सजाति राशे स्निग्धे सब श्लोकों का व्याख्या करते हुए हम फिर तुरंत हम पंचम संध शुरू कर दें। आज समय नहीं है, बहुत खूब कम दिन बाकी है। अथापिते पदाम्बुजद्वयो प्रसाद लेस अनुग्रहित एव हि जनाति तत्यम भगवान महिम्नो नाच अन्नम एकोपि चिरं विचिन्वन् वांछा कल्पतरुष्य के बासिंद व्यवचार पतितानं पावन भविष्ण भ्यो नम।